नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए, आज जो जिस चीज़ की हम लोग ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, वो जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, वो चाहे चिली के हैं, टोमेटो के हों, या ओकरा के हों, या और भी किसी क्रॉप के हों, तो उसी के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उसको हम लोग कैसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, उसी से रिलेटेड ही ट्रिक होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला है वो है चिली थ्रिप्स, यानी जो चिली होती है, यानी जो मिर्च होती है, उसमें एक पेस्ट होता है जिसका नाम है थ्रिप्स। ठीक है, यही अटैक करता है। और ये जो होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं कि सीरियस पेस्ट है ये चिली का। ठीक है, तो ये भी याद की कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जो चिली है उसकी सीरियस पेस्ट का क्या नाम है, तो थ्रिप्स है। ठीक है, इसको देखिए, याद करने के लिए हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको कैसे हम लोग याद करेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम अगर हम लोग देखें चिली थ्रिप्स का, तो है सीटो थ्रिप्स डॉर्सैलिस। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जब इसका सीटो थ्रिप्स पढ़ते हैं तो इसी में ही छुपा हुआ है थ्रिप्स। ठीक है, तो इस तरह से चिली थ्रिप्स और इसमें भी छुपा हुआ है थ्रिप्स, इसी से हम उसको याद कर लेंगे। जब भी ऑप्शंस आएगा तो वहाँ हम लोग देखेंगे, अगर पूछ लेगा कि चिली थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जिसमें थ्रिप्स छुपा हुआ है उसके साइंटिफिक नेम में, तो यही हम लोग उसको टिक कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात होती है कि जब चिली में ये पेस्ट अटैक करता है चिली पे, तो उसकी जो लीफ होती है चिली की अगर हम लोग लीफ जो देखें, तो उसकी जो लीफ होती है वो इनवर्ड कर्लिंग हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ ऐसे कर्लिंग होती है उसमें। तो इसको भी याद करना है, ठीक है, कि जो इनवर्ड कर्लिंग होती है, इसके सिम्टम्स अगर हम लोग देखें चिली थ्रिप्स की, तो जो लीफ होती है वो क्या है, अंदर की तरफ कर्ल कर जाती है। ठीक है, तो इनवर्ड कर्लिंग कैसे, थ्रिप्स में ही छुपा हुआ है आई, और आई का मतलब ऐसे पढ़ लीजिएगा इन वर्ड। ठीक है, इनवर्ड कर्लिंग, इस तरह से आपको इसके सिम्टम्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, दूसरी जो है वाइट फ्लाई है, किसकी, चिली की ही है। चिली में एक जो अगला पेस्ट है वो है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई जो होता है, इसको कैसे याद करेंगे, इसका जो मतलब ये साइंटिफिक नेम कैसे याद करेंगे कि बेमेसिया टेबेगाई है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए हमें देखिए एक यहाँ पे दिया है बिम। बिम सबको पता होता है, हर किसी के घर में यूज होता है, क्या क्या साफ करने के लिए, बर्तन को वाइट करने के लिए। ठीक है, अब इसी देखिए, इसी में ट्रिक छुपा हुआ है। अब देखिए, बेमेसिया टबेकाई में ही है बिम केवल। अब देखिए, स्पेलिंग भले इस बिम की कुछ और है, इस बिम की कुछ और है, इसकी बिम बिम की कुछ और है, बिमेसिया में जो बिम है उसकी स्पेलिंग कुछ और है, लेकिन जब हम बोलते हैं उसको तो वो बिम ही मतलब ऐसे आ रहा है। तो बिमेसिया टेबेकाई में बिम छुपा हुआ है, बिम है, तो बिम का यूज किया जाता है बर्तन को वाइट करने में। इस तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगली जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम लोग हमने इसे सुपर ट्रिक नाम दिया है। देखिए, अब जब भी क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट का, जितने भी हम लोग पेस्ट होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए, मतलब जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, उसके लिए मतलब कौन सा मतलब वो इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, तो वो हमेशा आता रहता है। तो देखिए, जो चाहे वो एफिड हो, या जेसिड हो, या थ्रिप्स हो, या वाइट फ्लाई हो, ये सभी क्या आते हैं, सकिंग पेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये सकिंग पेस्ट में आते हैं, और जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं उसको अगर हमें कंट्रोल करना है, तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का हम लोग यूज करेंगे, और ख़ास करके सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड में एसीफेट का यूज करेंगे, ये एफिड जेसिड थ्रिप्स या वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, या इमीडा क्लोरोप्राइड इसका यूज करेंगे, या थायो मेथैक्जन, ठीक है, इसका यूज करेंगे।
इसी तीनों सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का मोस्टली यूज किया जाता है एफिड के कंट्रोल के लिए, जेसिड के कंट्रोल के लिए, थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए या वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो हमेशा इसको याद ही कर लीजिएगा कि अगर आपसे कभी भी पूछे कि चाहे वो ऑप्शन में एफिड दे, जेसिड दे, थ्रिप्स दे, वाइट फ्लाई दे, इसको किस कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो हो सकता है ऑप्शन में वो दिया हो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या तो इन तीनों इंसेक्टिसाइड में से किसी एक का नाम दिया हो जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो यही सही आंसर होगा, इसको टिक करिएगा। तो भूलिएगा मत, ये जो होते हैं एफिड होते हैं, जेसिड होते हैं, थ्रिप्स होते हैं या वाइट फ्लाई होते हैं, ये सकिंग पेस्ट में आते हैं और सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमेशा सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की एक खासियत होती है, जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो ये प्लांट के जो वैस्कुलर सिस्टम होता है यानी जाइलम हो या फ्लोएम हो, उससे होता हुआ ये प्लांट के लगभग हर पार्ट में पहुंच जाता है, कहीं भी हो। ठीक है, हर जगह पहुंच के अपना जो भी प्रभाव दिलाता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं जो सकिंग पेस्ट होते हैं, ये सेल का सेल सैप जो होता है उसी को सक करते हैं, तो अब जब ये इसकी कहीं भी पहुंच जा रहा है तो वहाँ पहुंच जाएगा, उसको शक करेंगे तो उससे ये मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यही होता है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी समझिए एक ट्रिक बताई गई है, ये आपके हमेशा बहुत ही काम आएगी, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला हम लोग इंसेक्ट पेस्ट के बारे में देखते हैं क्या है। अगला जो है वो है डायमंड बैक मोथ, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या बताएं, हमेशा हर एग्ज़ाम में आता रहता है। और ये जो होता है कैबेज में, ये देखिए कभी कभी हो सकता है कैबेज दिया हो या कोल क्रॉप दिया हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोल क्रॉप मतलब जो क्रूसीफेरी फैमिली से रिलेटेड जो क्रॉप होती हैं उसे ही हम लोग कोल क्रॉप बोलते हैं, और क्रूसीफेरी में ही आता है कैबेज वेबेज। तो या तो डायमंड बैक मोथ आप कैबेज दे देगा या तो कोल क्रॉप दे देगा या कुर्सी फर जो भी दे वो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायमंड बैक मोथ जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो पेस्ट है उसका साइंटिफिक नेम है प्लूटेला जाइलोस्टेला। ठीक है, प्लूटेला जाइलोस्टेला जो है इसका पेस्ट है उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नेम को याद कैसे करोगे, तो देखिए याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है, एक है डायमंड इसमें दिया गया है डायमंड, और यहाँ जाइलो स्टेला में जाइलो दिया गया है, तो हमें पता है जाइलो क्या है, एक फोर व्हीलर है। ठीक है, फोर व्हीलर है, सबको पता होगा कि जाइलो जो है एक फोर व्हीलर है, और डायमंड जो है काफ़ी महंगा है, और अगर डायमंड को मतलब डायमंड काफ़ी महंगा है और जाइलो भी फोर व्हीलर है वो भी महंगी है, और क्या है इसको लूटना है प्ल्यूट। देखिए प्ल्यू जो स्पेलिंग है प्ल्यू टेला, ठीक है, इसमें एक है एल यू टी यानी लूटना, लूट लूट करना है इसका। देखिए डायमंड है काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसको भी लोग मतलब जो चोर किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, जो वो लोग क्या करते हैं इसको लूट लेते हैं, अक्सर मूवी में आप देखोगे डायमंड की चोरी होती है। ठीक है, और जाइलो भी महंगी है, कार है एक फोर व्हीलर है, तो इसकी भी लूट होगी, तो प्लूटेला में ही देखिए यहाँ पे क्या है प्लूटेला जो है यहाँ एल यू टी लूट ऐसे छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से लूट यानी चोरी किसकी होती है, डायमंड की होती है या जाइलो जो फोर व्हीलर है उसकी होगी, इस तरह से मतलब ये याद हो जाएगा। देखिए बात है याद करना है, कैसे याद हो जाए, बस याद हो जाए। ठीक है, मेरी हर वीडियो में बस एक ही ट्रिक, एक ही मकसद होता है उसका कि बस उसको वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, तो चलिए अगला देखते हैं कि अगला कौन सा है। अगला है रेड पम्पकिन बीटल, कुकरबिट्स का है ये वेस्ट। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नेम कैसे हम याद करेंगे, तो इसका साइंटिफिक नेम याद करने के लिए देखिए इसका साइंटिफिक नेम है रेफिडो पल्पा। ठीक है, होई कोलाई कोलिस। ठीक है, तो इस तरह से रेफिडो है, जब हम लोग रेफिडो पढ़ रहे हैं तो ऐसे जब रेफिडो पढ़ रहे हैं तो कुछ हमें इस तरह से मतलब निकल के आ रहा है, जब बोल रहे हैं रेफिडो तो रेड भी उसमें निकल के आ रहा है। ठीक है, पम्पकिन है तो पल्पा भी उसमें छुपा हुआ है, रेफिडो पल्पा। ठीक है,
देखिए रैपिडो छुपा हुआ है, रैपिडो पल्पा, पल्पा से बस जस्ट थोड़ा सा याद करने के लिए सोचेंगे, पल्पा मतलब पंपकिन, ऐसे कर लेंगे ठीक है। रेड है, रैपिडो है, तो रैपिडो में ही समझिए एक तरह से रेड छुपा हुआ है जब बोल रहे हैं, तो इस तरह से वो भी याद हो जाएगा ठीक है। अब देखिए अगला जो है वो भी समझिए, तीनों जो फ्रूट बोरर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा समझिए इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए ये हैं क्योंकि इनके जो पेस्ट हैं उसके जो साइंटिफिक नेम हैं वो अलग अलग हैं। अब पेस्ट के जब साइंटिफिक नेम अलग अलग हैं तो उसको याद करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा ठीक है। क्योंकि अगर किसी, जब मान लीजिए फ्रूट बोरर हो और फ्रूट बोरर के सभी, जितने फ्रूट बोरर हों सारे के साइंटिफिक नेम अगर एक ही हो तब तो ठीक है, तब तो चल जाएगा। अब यहाँ कहानी क्या होती है कि मतलब इसमें क्या है कि हर पेस्ट के जो है, चाहे वो फ्रूट बोरर हो चाहे मतलब वो अलग अलग क्रॉप में, उसका साइंटिफिक नेम भी अलग अलग होता है ठीक है। तो अलग अलग होता है, तो सबसे पहले देखिए इसमें है फ्रूट बोरर ऑफ टोमेटो, टोमेटो का फ्रूट बोरर है, तो इसका है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा ठीक है। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा जो है, जो इसका है, तो मतलब जो फ्रूट बोरर ऑफ टोमेटो है उसका है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा ठीक है। अब हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, और जो फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा है उसका है एरियास विटेला ठीक है, एरियास विटेला। अब ओकरा को हम लोग क्या कहते हैं, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर ठीक है, लेडी फिंगर इसका नाम है ही है। तो लेडी क्या पहनती हैं, ईयर रिंग पहनती हैं, तो इस तरह से उसको एरियास विटेला याद कर लीजिएगा ठीक है, कि लेडी ही ईयर रिंग पहनती हैं, इस तरह से उसको मतलब आप कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से हाँ, तो ये हो गया ठीक है, आप ये पढ़ लिए, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा हो गया, फ्रूट बोरर ऑफ टोमेटो। अगर फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा की बात, ओकरा की बात की जाए तो हमने बता दिया ओकरा क्या होती है, लेडी फिंगर होती है, और जो लेडी होती हैं यानी लेडीज होती हैं वो क्या पहनती हैं, ईयर रिंग पहनती हैं, इस तरह से इसका ऐसे याद कर लीजिएगा ठीक है। अब अगला जो है वो है फ्रूट एंड सूट बोरर ऑफ ब्रिंजल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रूट एंड सूट बोरर ऑफ ब्रिंजल, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेस्ट है। इसका जो साइंटिफिक नेम अगर हम लोग देखें तो इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूसी नोड ठीक है, ल्यूसी नोड आर्बोनेलिस, तो ये भी याद कर लीजिएगा। मतलब एक थोड़ा सा कोशिश करिएगा, इसके लिए ट्रिक उतनी अच्छी कुछ नहीं बन रही थी, अगर किसी वीडियो हमें कुछ ऐसा अच्छा याद हो जाएगा तो हम बता देंगे ठीक है, फिर भी इसको किसी तरह से आप याद कर लीजिएगा ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो जो भी, अगर आप किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है। थैंक यू।